जैक कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने कल लाठीचार्ज के साथ गिरफ्तारी किया था। वहीं इसके विरोध में आज जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का पुतला दहन किया गया। आज हम लोग यहाँ पे जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का पुतला दहन किए हैं। आप लोग को ज्ञात होगा कि इंटर की 11 क्लास का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था, लेकिन योगदा सत्संग जो कॉलेज है उसमें काफ़ी संख्या में छात्र लोग को फेल कर दिया गया, जिसकी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जैक अध्यक्ष से मिलने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन जैक अध्यक्ष नहीं रहने के कारण नहीं मिला। लेकिन पिछले दिनों कल वहाँ पर योगदा कॉलेज के छात्र लोग और हमारे EIDS और छात्र संगठन के नेता लोग जैक अध्यक्ष से मिलने गए थे, लेकिन जैक अध्यक्ष नहीं मिल रहे थे। तत्पश्चात लगभग 3 बजे के आसपास में जैक अध्यक्ष मात्र 2 जन को बुलाएं और बुलाने के क्रम में उन लोगों को काफ़ी डांट फटकार लगाया और जो ज्ञापन जो था देने के लिए जो छात्र गए थे उसे फेंक दिया और बोला कि आप लोग जाइए, यहाँ से कुछ नहीं होगा। तीसरे इस क्रम में उन लोग के साथ में फिर छात्र लोग आए, फिर नारेबाजी हुई, उसके बाद उन्होंने पुलिस बुला के उन पर लाठीचार्ज करवाया। कोई भी महिला पुलिस नहीं थी, लेकिन छात्राओं पर लाठी चार्ज करवाया गया, उसे पकड़ के ठेला ढकली किया गया, जो कि सरासर गलत है। EIDS तो उसकी घोर निंदा करती है और छात्रों और छात्र नेताओं को पुलिस अभी तक गिरफ्तार करके रखी है। 2 छात्र को नामकुम थाना में और एक जो छात्रा है महिला जो हमारे EIDS और छात्र संगठन की नेत्री है उसको महिला थाना में रखी हुई है। अभी तक छोड़ा नहीं गया है, जिसका हम लोग EIDS झारखंड राज्य कमेटी की ओर से आज निंदा करती है। आज हम लोग रांची अलबट्टा चौक पर जैक अध्यक्ष का यहाँ पर पुतला दहन किए हैं और हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब उन छात्र नेताओं को अविलंब रिहा किया जाए, अन्यथा पूरे राज्य में छात्र लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।